प्लान बी तो बहुत खतरनाक है। इस प्लान के खदोखाल क्या होंगे, ये प्लान बी कैसे एग्जीक्यूट होगा, इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए इस वक्त सेक्रेटरी जनरल JUIFA मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल गफूर हैदरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है कि JUIFA धरने को तूल देने जा रही है? अगर धरना तवील होता है तो मजीद कितने रोज तक धरना जारी रखने का प्लान है आपका? फिलहाल तो ये धरना नहीं है, ये आजादी मार्च और उसके जलसे जो तसलसल के साथ हो रहे हैं, जब हम इसको धरने में तब्दील करेंगे तो उसका ऐलान भी करेंगे। लेकिन ये जो हमारे जलसे हो रहे हैं आजादी मार्च के नाम से, ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हमारे जलसे चल रहे हैं। अभी कोई ऐसा फैसला नहीं हुआ कि हम मजीद इसको 2 दिन या 10 दिन जारी रखेंगे। तो अगर हमने आजादी मार्च के जलसे को कोई तब्दील किया तो फिर बी पर हमें अमल करना होगा, तो वो फैसला फिर मुत्तहिदा अपोजिशन ने करना है। लेकिन फिलहाल मुत्तहिदा अपोजिशन भी इस पर कायम है कि ये जो आजादी मार्च का जलसा है इसको चलना चाहिए। ठीक है, आप आजादी मार्च की बात कर रहे हैं, अभी भी धरने की बात नहीं कर रहे हैं, आप इसे धरना कहें आजादी मार्च कहें, प्लान बी बाहर कैफ जेरे गौर है। मजलिस आमला के इजलास में भी हमारी इतलात है कि प्लान बी पर बात हो रही है, और गुज़श्ता रोज जब हमने अकरम दुरानी साहब से रैबर कमेटी के कन्वीनर से बात की प्लान बी, तो उन्होंने कहा प्लान बी बड़ा खतरनाक है। तो मौलाना प्लान बी असल में है क्या जिस पर गौर किया जा रहा है? जब वक्त आएगा तो बताएंगे आपको। नहीं, प्लान बी के कुछ खदोखाल तो आपने वजह किए होंगे। देखिए, वो कोई ढकी छुपी चीज तो नहीं होगी, वो भी डंके की चोट पे हम ऐलान करेंगे और बताएंगे आपको। रेड जोन की जाने बढ़ेंगे, डी चौक की तरफ मार्च करेंगे, पार्लियामेंट की जाने बढ़ेंगे, शटर डाउन करेंगे, हड़तालें करेंगे, शाहराओं को चौक करेंगे, क्या होगा? आपको खदोखाल तो आपने वजह किए होंगे ना। मैंने आपसे गुजारिश की कि जब हम फैसला करेंगे जब हम प्लान बी की तरफ जा रहे हैं तो उसका अनाउंस करेंगे बाकायदा, कोई ऐसे खामोशी से कोई चीज तो होती नहीं है। इतना बड़ा प्लान है और दुरानी साहब ने बजा कहा कि ये जो बी प्लान है ये इससे सख्त होगा, प्लान बी इससे सख्त होगा। और ये बात भी दोस्त है कि मजलिस आमला के इजलास के बाद आपने अपने मरकजी और जिलाई उमरा को टास्क भी सौंपे। जी बिल्कुल, टास्क भी सौंपे हैं। तो मौलाना बताएगा उनको क्या टास्क दिए गए? लेकिन उसका जो हतमी जो फैसला होगा, अभी तो हमने होमवर्क के लिए कहा है ना जी, जब उसका हतमी फैसला होगा तो फिर उनका बाकायदा अनाउंस करेंगे। तो मरकजी और जिले उमरा आप क्या होमवर्क करेंगे, वो क्या कर रहे होंगे, क्या टास्क होगा उनके लिए? यकीनन उनको तो वाजे किया होगा ना आपने। देखिए, बात चीजें बताने की नहीं होती है, हर चीज बताने की नहीं होती है, तो जितना मैं बता सकता था आपको बता दिया है, उससे आगे मैं कुछ भी कह नहीं सकता। क्योंकि मौलाना हमने देखा है आज मौलाना फजलुर रहमान भी डायरेक्ट जो है कंटेनर पर नहीं पहुंचे, बल्कि वो पिंडाल में पहुंचे और उन्होंने जो पिंडाल के शुरका है, कारकुनान है, उनसे भी बहुत सारी बातें की हैं। तो मौलाना आज बराह रास्त जब शुरका से मुखातिब थे तो क्या कह रहे थे वो? देखिए, पंडाल में मैं भी गया, मौलाना साहब भी इस मकसद के लिए कि गुज़िश्ता रात तो जो है बारिश हुई और आज दिन भर सर्द हवाएं भी चली, तो वो अपने कारकुनों का मोराल भी देखना चाहते थे। लेकिन अगर आपके नुमाइंदा वहां था तो इतनी हमें पजीराई मिली कारकुनों की तरफ से, इतना बल्कि हमें हौसला मिला कि वो इतने पुरजोश है, इतने वाहिम्मत और इतने हिम्मत के साथ उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप 100 दिन कहेंगे हम 100 दिन बैठेंगे, 200 दिन कहेंगे हम 200 दिन बैठेंगे, हम आपके कहने पर आए हैं, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। तो अल्लाह का फजल है कि हमारा कारकुन भी डटा हुआ है, क्यादत भी डटी हुई है, तो जाहिर है कि हम जो मुतालिबात लेकर आए हैं बगैर मुतालिबात के हल हुए वापस कैसे जा सकते हैं।
मौलाना आपके कारकुनान बड़े चार्ज्ड हैं, महाज पर डटे हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान जब कंटेनर पर आते हैं, कयादत आती है, आप आते हैं, बड़ी तवज्जो से सुनते भी हैं और यकीनन उन्हें इंतज़ार भी है कि आपका अगला इशारा क्या होगा। और आज जब मरकजी मजलिस आमला का इजलास हुआ है तो उसमें हमारी इतलात यह है कि प्लान बी के साथ साथ प्लान सी के हवाले से भी बात हुई है, तो प्लान बी वाज़े होगा तो प्लान सी की जाने बढ़ेगा। प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे सामने। अब देखना यह है कि बी प्लान में हम क्या रखते हैं, सी प्लान में हम क्या रखते हैं, डी प्लान में हम क्या रखते हैं। ये तहरीक है दरअसल जो 27 अक्टूबर से शुरू हुई है, अब ये तहरीक और इसको हमने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है इंशाल्लाह। तो जाहिर है कि तहरीक तो फिर मुतालिबात के हल तक चलती रहेगी ना। आप अपने प्लान की तरफ पेशरफ्त कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद घंटों के अंदर बड़ी कलील मुद्दत में 3 मुलाकातें हुई हैं चौधरी बरादरान से भी। एक जानब मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी जानब आप गौर कर रहे हैं प्लान बी और प्लान सी पर अमल दरामद के हवाले से। डेडलॉक कहां पर है? क्या चौधरी बरादरान जो पेशकश आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो काबिल कबूल हल आपको नहीं लगता है? देखिए, एक तो हुकूमत ने एक कमेटी जो तश्कील दी है जनाब परवेज खटक साहब की क्यादत में, हमें आज पता चला कि उस कमेटी की पोजीशन ये है कि जो हमारे तजावीज यहां से लेकर गए कि हम प्राइम मिनिस्टर से शेयर करेंगे तो उसके साथ अभी तक वो शेयर नहीं कर सके हैं। प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, इस्तीफे की बात नहीं करते, पार्लियामेंट की तहरीर की बात नहीं करते, बस ये इधर उधर से रिपोर्टें प्राइम मिनिस्टर के पास आती हैं या कोई खुश वाले हैं वो उनको रिपोर्टें देते हैं कि बस ये एक दो दिन में तंग हो जाएंगे, चले जाएंगे, बारिश हो गई है, बस कल कलाम में खत्म हो। तो इस तरह बेवकूफ बना रहे हैं ये हमारे प्राइम मिनिस्टर को भी और हमारी जो मुजाकिराती उनकी जो मुजाकिराती टीम है उसके पास न कोई इख्तियार है न कोई जुरत है अखलाकी जो अपने प्राइम मिनिस्टर से कह सके कि बाबा आपके खिलाफ अब ये पूरा माहौल बन गया है, पूरी कौम सरापा एहतजाज है, नौ सियासी जमातें हैं, डॉक्टर्स हैं और इसी तरह ताजिर बिरादरी है, वकला है, तमाम तबकात ने एहतजाज शुरू किया है और 7 तारीख से जो है वो यूनिवर्सिटियां जो है वो उनके प्रोफेसर एहतजाज पे शुरू हो जाएंगे। तो उसके बावजूद भी उसको सही खबरें नहीं दी जा रही बल्कि उसको कहते हैं जी बिल्कुल आप ठीक है, ठीक है। तो मौलाना क्या इसके बाद आप तय कर चुके हैं कि अब आप हुकूमती मुजाकराती कमेटी के साथ मजीद नहीं बैठेंगे, उनके साथ मुजाकरात में शरीक नहीं होंगे? नहीं, मुजाकरात हम कहते हैं उनसे, हम कहेंगे उनसे कि बाबा तुम कम अज कम हमारे तजावीज तो प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाओ, जो हमारा डिमांड है उनको बताओ तो सही कि हम क्या चाहते हैं। लेकिन अगर आप उनको बताएंगे भी नहीं तो फिर हमारे पास वक्त गुजारी के लिए आते हैं तो इसका कोई फायदा तो नहीं है। लेकिन मौलाना साहब उनके पास तो मैंडेट नहीं है, जब वो वजीर आजम से बात हुई है तो वजीर आजम ने कहा है कि इस्तीफे पर बात आपने नहीं करनी है। एक सेकंड, एक सेकंड, अलबत्ता चौधरी शुजात, चौधरी परवेज इलाही साहब जो मिल रहे हैं ये बावकार लोग भी हैं और तजुर्बाकार भी हैं और मौलाना फजलान साहब से चौधरी बिरादरान का एक जहरीन ताल्लुक है और चौधरी जहूर इलाही और मौलाना साहब के वालिद गिरामी इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे और इनके भी ताल्लुकात अच्छे हैं, तो एक दोस्ताना ताल्लुक है, दोस्ताना माहौल में बातचीत भी होती है। अब देखना यह है कि ये क्या किरदार अदा कर सकेंगे। आज परवेज इलाही फिर तशरीफ लाए थे, मुलाकात हुई मौलाना साहब से, मैं उस मुलाकात में नहीं था तो जाहिर है मौलाना साहब हमसे शेयर करेंगे तो आगे हम कुछ बता सकेंगे। मौलाना बड़े इख्तसार से बता दीजिएगा क्योंकि वक्त की बड़ी किल्लत है कि चौधरी बरादरान के पास वजीर आजम के इस्तीफे का मैंडेट है? मैं ये नहीं कह सकता कि उनको वजीर आजम साहब ने मैंडेट दिया है या नहीं दिया है, लेकिन ये है कि जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा उनके पास जो वो इस हवाले से कोशिशें कर रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सेक्रेटरी जनरल JUIFA मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तैयार है, बार कैफ मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन चौधरी बरादरान के साथ जो मुज़ाकरात जारी हैं उस पर यकीन का इजहार भी कर रहे हैं। जमीयत उलमाए इस्लाम ने इस्लामाबाद में डेरे डालने का फैसला कर लिया है, कारकुनान के लिए खैमे और बिस्तरों का अहतमाम भी किया जा रहा है। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी भी कह रहे थे कि प्लान बी और प्लान सी जेरे गौर हैं, ताहम प्लान बी क्या होगा, खदोखाल क्या होंगे ये वाजे नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वक्त आने पर बताएंगे।